एकता कपूर का सुपर नेचुरल शो नागिन दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आता है। इस बार शो नागिन का छठवां सीजन दर्शकों को सामने पेश किया जा रहा है, जिसे ऑडियंस द्वारा काफी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। वैसे आपको बता दें कि सीरियल नागिन की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इस सीरियल के पहले सीजन से ही दर्शक इसे काफी पसंद करते हैं। ऐसे में इस शो में अब तक कई टीवी एक्ट्रेस ने नागिन का किरदार अदा किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं उनके नेटवर्थ के बारे में? दरअसल दोस्तों, को बता दें कि एकता कपूर के शो नागिन के किरदार के लिए मेकर्स ने काफी कड़ी मेहनत की है और बहुत बारीकी से सोच समझकर टीवी एक्ट्रेसेस को चुना है। वैसे दोस्तों, बता दें कि हर सीजन की टीवी एक्ट्रेस ने अपने नागिन किरदार से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है और उनका दिल जीता है। नागिन का किरदार निभा चुकी हर एक्ट्रेस की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल नागिन 6 में बिग बॉस विनर और टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश नजर आ रही हैं। सीरियल नागिन में अपने किरदार के लिए टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने 11 से 15 करोड़ रुपए लिए हैं। एक्ट्रेस महक चहल ने सीरियल में अपने किरदार के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए लिए हैं। नागिन सीरियल में मोनी रॉय ने अपने किरदार से दर्शकों को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया था। ऐसे में अपने किरदार के लिए मोनी रॉय ने 52 करोड़ रुपए लिए थे। टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंद्रा ने नागिन के किरदार के लिए 12 करोड़ रुपए लिए थे। इसके अलावा सुरभि ज्योति को $3 मिलियन दिए गए थे। निया शर्मा को सीरियल नागिन में अपने नागिन किरदार के लिए $8 मिलियन मिला था। टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना को उनके किरदार के लिए $5 मिलियन दिए गए थे। तो वही एक्ट्रेस सयंतानी घोष को $3 मिलियन मिला था। तो वही टीवी एक्ट्रेस अनिता हंसनंदानी ने नागिन किरदार के लिए $4 मिलियन लिए थे। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।